हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और उसी को आगे आज पढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। हम बात किसकी बात कर रहे थे, मेवाड़ के इतिहास, मेवाड़ के ऊपर चर्चाएँ कर रहे थे। मेवाड़ के ऊपर चर्चा करने के साथ साथ हमने कहाँ तक देख लिया था, थोड़ा सा कल की क्लास का रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हम कहाँ बढ़ेंगे भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, कल की क्लास का रिवाइज करा देते हैं हम। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से देखना प्रारंभ किया था कल हमने। देखा था हमीर सिंह सिसोदिया या राणा हमीर के बारे में कहा जाता है, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसने वापस मेवाड़ शाखा की स्थापना करने की कोशिश की थी, या कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में या मेवाड़ में। प्यारे दोस्तों, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक। सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में इसके समय हुआ था, 1336 में हुआ था। मेवाड़ और हमीर दोनों के बीच में, कहा जाता है किसके, मेवाड़ और दिल्ली के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ था, हमीर विजय हो गया था। इसके उपनाम की बात करें, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, चित्तौड़ में राणा शाखा का संस्थापक कहा जाता है। और बात करें तो जहाँ पर हमीर को, राणा हमीर को क्या कहा जाता है भाई, देखिएगा, राणा शाखा का वास्तविक संस्थापक भी किसी को कहा जाता है, तो हमीर रघुदेव को कहा जाता है या हमीर को कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन वीर राजा की उपाधि कुंभा की द्वारा एक टीका लिखी गई, रसिक प्रिया नामक टीका लिखी गई, उसमें इसको क्या दी जाती है, राजा की वीर राजा की उपाधि। प्रबल हिंदू राजा इसे किसे कहा जाता है भाई, किसमें कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि, अब देखते हैं राणा खेता। इसके बाद होता है खेता, और खेता के इसे खेता कोई क्षेत्र सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्या कहा जाता है, क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है किसको, राणा खेता को क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये दासी पुत्र, इसके दासी पुत्र थे चाचा वेरा, और आगे चलकर ये किसकी किसकी मोकल की हत्या करते हैं। और देखिएगा, यहाँ पर इस समय मेवाड़ के संबंध बिगड़ने लग गए थे, बूंदी के साथ संबंध कहा जाता है संघर्ष हुआ था, और मालवा के साथ भी संघर्ष होता है इसी के समय। और बात करें कि जहाँ पर हमें देखने को मिलता है राणा लाखा का शासनकाल, ये मेवाड़ की उन्नति का काल कहलाता है। इसके शासनकाल में चांदी की खाने निकाली गई थी, जावर की खाने, और ये कहा जाता है कि इसने इसी के समय में एक झील का निर्माण करवाया था पीछू बंजारे के द्वारा, या और नाम ले तो छितर बंजारे के द्वारा एक झील का निर्माण करवाया था, जिसे पिछोला झील कहा जाता है। इसी के किनारे क्या बना हुआ है भाई, इसके बेल की याद में करवाया था इसने ना, इसी ने नकली दुर्ग जीत कर अर्थात बूंदी का नकली किला बनवाया, और उसको विजय पर करने का कार्य किसने किया था, राणा लाखा ने किया था, और कुंभाहड़ा इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये हड़ वहाँ का। ठीक है, ये एक झील है, और इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, पिछू बंजारे के द्वारा। पिछोला झील का निर्माण किसके, राणा लाखा के शासनकाल में हुई। ये नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ये गल की नटनी का है, इसका निर्माण लाखा ने करवाया था। ये जो देख रहे हैं, जग मंदिर इसी झील में है, जगन्निवास महल इसी झील में, ये सारी जानकारियां हमने प्राप्त कर ली थी। और क्या देखा था, ये जगन्नाथ मंदिर जिसको कैलाशपुरी उदयपुर में इसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है, जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, जहां तक कि हमने जानकारियां प्राप्त कर ली थी। अब नेक्स्ट बात करें भाई, नेक्स्ट बात करें तो किधर चलते भाई, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, चलिए। हाँ तो प्यारे साथियों, अब बात करने जा रहे हैं इससे आगे, राणा लाखा की बात कर रहे थे किसकी, पिछली क्लास में हमने लाखा की बात की थी, किसकी बात की थी, राणा लाखा की, किसकी बात की थी भाई, राणा लाखा की बात की थी। और राणा लाखा का जो है, इसके बाद इसके दो पुत्र राणा लाखा के किस प्रकार से, अर्थात राणा लाखा के समय इसके उत्तराधिकारी किस तरीके से बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसका ध्यान रखना है भाई, राणा लाखा के बारे में ध्यान रखना है। राणा लाखा के बारे में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिएगा, इसके कौन था, एक पुत्र था। राणा लाखा कहाँ का, मेवाड़ का शासक। इधर राणा लाखा कहाँ का है, मेवाड़ का, ये ध्यान रखना। ये तो मेवाड़ का शासक था, कहाँ का, मेवाड़ का। ठीक है, और इसी के समय यहाँ मारवाड़ का शासक देखें, तो मारवाड़ का शासक कौन हुआ करता था भाई, मारवाड़ का शासक देखें, ये मेवाड़ का शासक था इसी के समय, मारवाड़ का शासक।
मारवाड़, कहाँ का? मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक था वो था कौन? राणा चुड्डा या राव चूड़ा। कौन था? राव चूड़ा। ठीक है, राव चूड़ा यहाँ का शासक था मारवाड़ का, इधर लाखा मेवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था भाई? मेवाड़ का लाखा था। ये कहाँ का था? ये मेवाड़ का। ठीक है, ये मेवाड़ का शासक था, इसके पुत्र था, इसका जो पुत्र है प्यारे दोस्तों वो कौन था? इसके पुत्र था। इसके कौन पुत्र था? इसके पुत्र था राणा चुंडा। कौन था? राणा चुंडा। एक चुंडा इसका पुत्र था और दूसरा चुंडा उधर है। ठीक है, इसका एक पुत्र था राणा चुंडा, और इस राव चूड़ा जो मारवाड़ का शासक था इसके एक पुत्र था। क्या था भाई? एक पुत्र था जिसका रणमल। क्या नाम है? रणमल। क्या नाम है भाई? रणमल। इसके एक पुत्री भी थी। कौन थी? एक पुत्री थी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हंसा बाई। कौन? हंसा बाई। कौन भाई? हंसा बाई। हंसा बाई, जब हंसा बाई बड़ी हो जाती है तो मारवाड़ का शासक। कौन पेर दोस्तों? मारवाड़ का शासक। ये जो विवाह की सोचता है तो ये सगाई का नारियल कहाँ भेजता है? मेवाड़ में सगाई का नारियल भेजता है। मारवाड़ का शासक कौन? राणा चूड़ा, राव चूड़ा। सगाई का नारियल कहाँ भेजता है? ये मारवाड़ में। मारवाड़ में ये राजा कौन बैठा है यहाँ पर? यहाँ पर सिंहासन पर विराजमान है भाई। यहाँ पर सिंहासन पर कौन विराजमान है? राणा लाखा। और ये राणा लाखा बैठा हुआ है सिंहासन पर। कहाँ बैठा हुआ है भाई? सिंहासन पर बैठा हुआ है। और सिंहासन पर बैठा हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पर ये इस तरीके से ये मुकुट लगाए हुए है, सिंहासन पर बैठा हुआ है राणा लाखा। राणा लाखा सिंहासन पर बैठा हुआ है। सिंहासन पर बैठा हुआ है तो इसी दौरान इस हंसा भाई का नारियल कहाँ पर पहुँचाया जाता है? जब बेटी बड़ी हो जाती है तो पिता को चिंता सताने लग जाती है। किसकी? विवाह की, शादी विवाह की। उसका विवाह कहाँ करे, कैसा करे, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, तो ये सारी चिंता इसको सताने लगती है। और कहा जाता है ये हंसा भाई का विवाह करना चाहता है कुछ से मेवाड़ के, मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत में क्या कंडीशन होती है? इस हंसा भाई का नारियल लेकर पहुँचते हैं कहाँ पर? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में कौन आता है भाई? एक तो रणमल आता है यहाँ से। कौन आता है? रणमल। और इसके साथ कोई पंडित वंडित और भी आया होगा। ठीक है, रणमल यहाँ पर मेवाड़ में, कहाँ पर पैर साथियों? मेवाड़ में इसका सगाई का नारियल लेकर आता है। कहाँ आता है रणमल? सगाई का नारियल लेकर। ठीक है, सगाई का नारियल, सगाई का नारियल लेकर आता है, लेकर आता है। ठीक है, कौन आता है? रणमल। रणमल इसका भाई था। और सगाई का नारियल लेकर यहाँ आ जाता है। यहाँ आ जाने के पश्चात ये राजदरबार लगा हुआ है, इसमें और भी लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ये किसका दरबार है? लाखा का दरबार है। ये कौन है? राणा लाखा। कौन है ये? राणा लाखा। कौन है भाई? राणा लाखा का दरबार लगा हुआ था। इसी दौरान ये दो व्यक्ति आकर यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, ये दो व्यक्ति उपस्थित होते हैं। और ये दो व्यक्ति उपस्थित होने के बाद यहाँ पर देखिए कि दो व्यक्ति आते हैं, और दो व्यक्ति आकर कहते हैं कि भाई हम मारवाड़ से आए, मारवाड़ से आए, ये सगाई का नारियल लेकर ही आए थे। क्या लेकर आए थे? साथ में नारियल लेकर, ये हाथ में नारियल है इसके, कि मारवाड़ से आए कि आइए साहब, दुआ सलाम की, राम राम श्याम श्याम जो भी हुए हुई हुई होने के पश्चात ये बातचीत करते हैं। तो क्या कहते हैं कि हम सगाई का नारियल लेकर आए हैं। तो रणमल ने कहा कि हम मारवाड़ से आए, ठीक है, कि सगाई का नारियल ले रखकर आ रहे हैं। तो राणा लाखा इस समय लगभग 60 साल के आसपास का था, और ये क्या सोच बैठता है कि मेरे लिए बुढ़ापे में भी सगाई आ रही है, बुढ़ापे में भी सगाई आ रही है, तो ठीक है कि भाई सगाई आ रही है, तो ये सारे कौन? कि मेरे लिए सगाई का नारियल लेकर आए हो? कि हाँ, कि आपके लिए, यानी कि ये समझ बैठता है कि इसके लिए लेकर आए। लेकिन यहाँ पर इसका बेटा कौन था? चूड़ा। कौन था? ये चुंडा बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? ये राणा चुंडा के लिए लाया था। किसके लिए लाया था? इसके पुत्र के लिए, राणा चुंडा के लिए लेकर आया था। लेकिन कहा जाता है कि गलत समझ रहे राजा जी, थोड़ा सा शांति रखो, ठंड रखो, कि ये आपके लिए नहीं, कि ये किसके लिए लाया? ये तो आपके बेटे के लिए लाया। नहीं, कि अब कहा जाता है कि यहां पर ये जैसे ही बोला राणा लाखा, तो ये सारे कौन, यहाँ पर बैठे हुए सारे के सारे इसके मंत्री वगैरह 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 बैठे हुए थे, ये हंस जाते। तो इसका ये चूड़ा
अपने पिता का अपमान समझता है, और अपमान समझता है तो कहा जाता है कि ये चूड़ा यहीं पर कह देता है अपने पिता से कि मैं ये स्वीकार कर लो आप कि ये, फिर कहता है कि ठीक है, कि रणबल कहता है, इससे बातचीत चलती है, बातचीत में चलती है तो ये कहता है रणबल, रणबल क्या कहता है, भाई ठीक है आपसे ही कर दूंगा मैं तो सगाई, लेकिन लेकिन प्यारे दोस्तों कब करूंगा, मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है आपकी? शर्त ये है कि आप से सगाई तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके गर्भ से, अर्थात इसके गर्भ से किसका, हंसाबाई के गर्भ से, किससे, हंसाबाई के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी, जो हंसाबाई मेरी बहन की गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी, उसी का बेटा या उसी का पुत्र यहाँ का मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, बात ये है, तो ठीक है कि मान जाते हैं। उधर चूड़ा से कहा गया कि ठीक है भाई मान जाते हैं, और चूड़ा इसके चक्कर में, इस हंसी मजाक के चक्कर में या इस हंसाबाई के चक्कर में क्या कर देता है, राजपाट छोड़ देता है। और कहा जाता है ठीक है, तो इसके गर्भ से किसका एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था मोकल। किसका जन्म होता है? मोकल। और यहाँ लाखा की और हंसाबाई का विवाह हो जाता है 60 साल की उम्र में, 16 साल की छोरी से ब्याह कर लेता है ये, हाँ, किससे, 16 साल की छोरी से ब्याह कर लेता है। और कहा जाता है कि इससे राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ ये मोकल होता है। कौन होता है? मोकल का जन्म होता है। और अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मोकल बनेगा। किसका? राणा लाखा का। किसका पैर दोस्तों? राणा लाखा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो यहां पर रणमल, रणमल हंसाबाई का विवाह, हंसाबाई का विवाह सशर्त शर्त करता है कि हंसाबाई की संतान, हंसाबाई की, हंसाबाई का विवाह सशर्त करता है कि हंसाबाई की संतान राणा लाखा से, किससे करता है? लाखा से, लाखा से सशर्त करता है कि हंसाबाई की संतान, संतान ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगी। क्या बनेगी भाई? मेवाड़ का, हंसाबाई की संतान ही मेवाड़ का, हंसाबाई की संतान ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने, उत्तराधिकारी बने। ठीक है, इस शर्त पर किसका विवाह हो जाता है भाई? राणा लाखा का हंसाबाई से विवाह हो जाता है, और इसके गर्भ से कालांतर में मोकल का जन्म होता है। किसका जन्म होता है भाई? मोकल का जन्म होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। और मोकल का जन्म होता है तो मोकल का जन्म के साथ ही प्यारे साथियों क्या कंडीशन होती है यहां पर, जब मोकल का जन्म होता है तो उत्तराधिकारी किसको बनना है अब, और ये कौन, ये इधर से चूड़ा, तो चूड़ा को क्या, चूड़ा यहां पर राज्य का त्याग कर देता है, तो चूड़ा को किसको, चुंडा को। किसको प्यारे दोस्तों? चुंडा को, मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है, चुंडा को मेवाड़ का, किसका, चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है, भीष्म पिता कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है भाई? मेवाड़ का भीष्म पिता चुंडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? चुंडा को कहा जाता है। ठीक है, ये चुंडा अपना राज त्याग छोड़ देता है किसके, हंसाबाई के संतान के खातिर, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। अर्थात आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसका जो विवाह है वो हो तो गया था, लेकिन कहा जाता है कि किस शर्त पर किया गया था, ये शर्त थी कि नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब बात करते हैं इसके बाद, राणा लाखा की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों वो कौन बनता है? मोकल बनता है। कौन बनता है? मोकल शासक बनता है। और कहा जाता है कि ये कहां तक बनता है, अब बात करते हैं मोकल की, किसकी, मोकल की।
चलेगा प्यारे साथियों। महाराणा मोकल, राणा लाखा का पुत्र मोकल क्या बन जाता है? शासक बनता है। ये बनता है कब? राणा लाखा का 1421 में, 1421 से लेकर 1438 तक। कहाँ तक रहता है भाई? 1421 से लेकर 1438 तक ये शासन करता है। कौन करता है भाई? 33 तक, 33 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 33 भाई कहाँ तक करता है ये? 33 तक, ठीक है, 1433 तक। और 1433 में इसका शासनकाल यहाँ पर प्रारंभ होता है मोकल का। वैसे तो कोई ज़्यादा प्रभावशाली कार्य नहीं रहे इसके, किसके भाई? मोकल के ज़्यादा प्रभावशाली कार्य नहीं रहे। लेकिन कहा जाता है कि मोकल के बारे में कहा जाता है इसके पिता लाखा थे, पुत्र ये किसका पुत्र था भाई? पिता कौन थे ये ध्यान रखना है आपको। कौन थे इसके पिता? पिता इसके पिता थे लाखा। कौन? इसके पिता कौन थे भाई? लाखा। माता कौन थी? माता कौन थी? माता हंसाबाई, हंसाबाई इसकी माता थी, है ना, हंसाबाई माता थी इसका प्रारंभिक संरक्षक, प्रारंभिक संरक्षक। संरक्षक किसको बनाया गया था? संरक्षक चुंडा बना था भाई। कौन बना था? चुंडा बना था, जो इसका प्रधानमंत्री कह दें या मंत्री कह दें, इसका जो भाई था वो चुंडा इसका प्रारंभिक संरक्षक बनता। और इसका बाद में जो संरक्षक बनेगा प्यारे दोस्तों, और दूसरा संरक्षक या दूसरा संरक्षक, प्रारंभिक संरक्षक कौन बना? दूसरा संरक्षक जो बना है वो कौन बना था? रणमल। कौन? इसका मामा। कौन बना? रणमल, रणमल बनता है, याद रखिएगा। अब क्या कंडीशन होती है इसका संरक्षक? पहले तो प्रारंभिक संरक्षक बनता है चुंडा। चुंडा इसलिए यहाँ से चला जाता है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मनमुटाव हो जाता है। और मनमुटाव किस किस के? हंसाबाई के और चुंडा के, क्योंकि ये भी लाखा का ही बेटा था। और कहा जाता है कि ये कुछ टांगे अड़ा रहा था अपने साम्राज्य को सही ढंग से संचालित करने के लिए। इन दोनों की कहा सुनी हो जाती है, तो ये यहाँ से निकल कर कहाँ चला जाता है? ये मालवा चला जाता है। कहाँ चला जाता है भाई? ये यहाँ से निकल कर कहाँ चला जाता है? मालवा चला जाता है। कहाँ? मालवा चला जाता है। और मालवा इस समय समकालीन जो शासक था यहाँ का, मालवा का जो शासक था प्यारे दोस्तों, मालवा का जो शासक था कौन था भाई? यहाँ होशंग शाह था। कौन था? होशंग शाह। कौन हुआ करता था यहाँ का शासक? होशंग शाह था, ठीक है। होशंग शाह यहाँ का शासक था, कहाँ का? मालवा का। और इसके यहाँ जाकर ये चुंडा नौकरी करने लग जाता है और रणबल इसका पुनः संरक्षक बन जाता है। ये 12 वर्ष की आयु, कब? 12 वर्ष की अल्पायु, अल्पायु में शासक बनता है, शासक बनता है। कौन बनता है भाई? मोकल। 12 वर्ष की अल्पायु में मोकल शासक बन जाता है। और मोकल शासक बन जाने के बाद प्यारे दोस्तों क्या सिचुएशन होती है? अर्थात इसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है चुंडा को। पहले चुंडा बनता है, चुंडा के बाद कौन बनता है? रणमल इसका मामा था। ये इसका मामा था रणमल राठौड़ ही भाई। कौन है? रणमल राठौड़। कौन था भाई? रणमल राठौड़। ये मारवाड़ का था। कहाँ का था ये? मारवाड़ का। कौन सी रियासत से था ये? मारवाड़ से। कहाँ से था ये? मारवाड़ से, मारवाड़ का था। और ये शासक संरक्षक बनता है इसका, किसका? इसका। देखिएगा अब कंडीशन क्या होती है। इस पर अविश्वास किया, अविश्वास के कारण कहाँ चला जाता है ये? हंसाबाई का अविश्वास हो गया था इस पर। किसका? किसका अविश्वास हो गया था भाई? हंसाबाई का। किसका? हंसाबाई का अविश्वास हो जाने के कारण। हंसाबाई के अविश्वास के कारण, अविश्वास के कारण ये कहाँ चला जाता है? मालवा चला जाता है, ठीक है। हंसाबाई के अविश्वास के कारण हंसाबाई इस पर अविश्वास करने लग जाती है।
इसके कारण ये कहाँ चला जाता है, ये मालवा चला जाता है। कौन चला जाता है भाई? चुंडा चला जाता है। अब मालवा में जाकर होसंग शाह के यहाँ नौकरी करने लग जाता है, नौकरी करने लग जाता है। यहाँ का तात्कालिक शासक जो देखने को मिलता है हमें, होसंग शाह था। अब कहा जाता है रणमल राठौड़ की सेना, रणमल राठौड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। किस? मेवाड़ की सेना की सहायता से रणमल क्या करता है? मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है भाई? देखिए, रणमल रणमल कौन प्यारे दोस्तों? रणमल। और रणमल की बात करें तो ये मेवाड़ की सेना की सहायता से, किससे? मेवाड़ की सेना, मेवाड़ की सेना की सहायता से, सहायता से मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है भाई? मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है, ठीक है, कर लेता है, ठीक है, मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के पश्चात कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो इसकी मेवाड़ के उच्च पदों पर अब क्या करता है, ये उच्च पदों पर, किस पर? रणमल क्या करता है? मेवाड़ के उच्च पदों पर, किस पर? उच्च पदों पर किसकी नियुक्ति करता है? ये सिसोदियाओं को हटाकर राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर देता है। मेवाड़ के जितने भी उच्च पद हुआ करते थे उनको सिसोदिया के स्थान पर राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ करता है। मेवाड़ के उच्च पदों पर सिसोदियाओं के स्थान पर किसकी? राठौड़ों की नियुक्ति प्रारंभ करता है। किसकी? राठौड़ों की नियुक्ति करता है। क्या करता है? ये राठौड़ों को नियुक्त करता है, ठीक है। इस कारण कहा जाता है यहाँ के सरदार से वो नाराज होने लगता है। क्या करता है? कौन करता है भाई ऐसा कार्य? ये करता है रणमल। यहाँ पर आने के पश्चात मुगल का संरक्षण बन जाता है, लेकिन कहा जाता है कुछ समय पश्चात यहाँ से वापस भी चला जाता है। मुगल का जब संरक्षक बना, संरक्षक बनने के पश्चात ये वापस चला जाता है। वापस क्या चला गया? तो चला तो गया, लेकिन कहा जाता है प्यारे दोस्तों ये वापस चला जाता है। वापस क्या चला जाता है? थोड़े दिन के लिए वापस गया, लेकिन फिर वापस आ जाता है। वापस कब आ जाता है? जब कुंभा शासक बनता है। कौन बनता है भाई? कुंभा जब शासक बनता है तो इसे वापस बुलाया जाता है। और कुंभा शासक बनते ही कि कुंभाकार शासक जो संरक्षक है इसको बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है भाई? देखिएगा अब क्या होता है। 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने किसके ऊपर आक्रमण किया? जिलवाड़ा नाम किसके ऊपर? अर्थात ये मोकल है। अब मोकल वैसे तो कोई विशेष काम हुआ नहीं इसके शासनकाल पे। गुजरात का शासक था प्यारे दोस्तों 1433। घटना कब की भाई? घटना है 1433 की। कब? 1433 ईस्वी। कब? 1433 ईस्वी की बात कर रहे हैं। गुजरात के कौन से शासक प्यारे दोस्तों? गुजरात के शासक अहमद शाह। कौन? गुजरात के शासक अहमद शाह के ये विरुद्ध लड़ाई करने के लिए जा रहा था, इसके ऊपर आक्रमण करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में कहाँ पर? जिलवाड़ा नामक स्थान पर। कहाँ पर? जिलवाड़ा। और जिलवाड़ा कहाँ पर? राज संबंध में। चाचा मेरा किसकी सहायता से? जिलवाड़ा नामक स्थान पर। जिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? राज संबंध में। चाचा मेरा और इनका सहयोग देते थे महपा पंवार और एका। इसका पुत्र था, चाचा का पुत्र था एका। कौन प्यारे दोस्तों? एका। एका की सहायता से कहा जाता है जिलवाड़ा नामक स्थान पर। कब? 1433 में। ये जब अहमद शाह के विरुद्ध अभियान लेकर जा रहा था। कौन जा रहा था? मोकल। कौन जा रहा था भाई?
गुजरात, मोकल, मोकल कहाँ जा रहा था, मोकल कहाँ जा रहा था, मोकल गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान लेकर जा रहा था। क्या लेकर जा रहा था, अभियान लेकर जा रहा था, लेकर जा रहा था, जा रहा था। उसी दौरान कहा जाता रास्ते में, कब रास्ते में क्या करते हैं, रास्ते में गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान लेकर जा रहा था, तो रास्ते में कहा जाता है जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा मापा पंवार, जो कहा जाता है कि क्षेत्र सिंह के क्या थे, ये दासी पुत्र थे, हमने बात की थी क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे, चाचा मेरा और मापा पंवार, इससे बदला लेना चाहते थे, अपने सत्ता को हस्ताना चाहते थे, और इसी चक्कर में कहा जाता है कि यहाँ पर किसकी हत्या कर देते हैं, इस जिलवाड़ा नामक स्थान पर किसकी, मोकल की हत्या करते थे। जिलवाड़ा राजसंबंध में, जिलवाड़ा राजसंबंध में मोकल की हत्या कर देते, क्या कर देते हैं, मोकल, मोकल की हत्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, हत्या कर देते हैं, कौन कर देते हैं भाई, ठीक है, ये हत्या कर देते, कौन, ये जिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर देते, चाचा मेरा और मापा पंवार और एका मिलकर यहाँ पर किसकी हत्या कर दी जाती है, यहाँ पर मोकल की हत्या हो जाती है 1433 में। कब हो जाती है भाई, 1433 में, अहमद शाह के विरुद्ध जब अभियान पर जा रहा था कौन, मोकल, और इसी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय या फिर एक स्थान पड़ता है जिलवाड़ा राजसमंद में, उस स्थान पर इसको चारों ओर से घेर लिया जाता है चाचा मेरा और काफी सारे सैनिकों के द्वारा, और यहां पर हत्या कर दी जाती है किसकी, मोकल की, किसकी हत्या कर दी जाती है भाई, मोकल की हत्या कर दी जाती है। अब कंडीशन क्या है, मोकल की हत्या कर दी जाती है और इसका पुत्र कौन था भाई, मोकल की हत्या के बाद यहां पर मोकल का पुत्र कौन था, मोकल, मोकल की हत्या, मोकल की हत्या चाचा मेरा महपा पवार, महपा पवार चाचा मेरा महपा पवार एका द्वारा जिलवाड़ा राजसमंद में, जिलवाड़ा राजसमंद में कहाँ पड़ता है, राजसमंद में 1433 ईस्वी में कर दी जाती है, कहाँ कर दी जाती है भाई, 1433 ईस्वी में कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा कौन बनेगा भाई, इसका उत्तराधिकारी जो बनेगा वो बनेगा आपका मोकल का पुत्र, मोकल, और मोकल का पुत्र कौन था, इसका, इसका जो पुत्र था प्यारे दोस्तों कुंभा, कौन था भाई, कुंभा, और ये कुंभा भी इसी के साथ था इस समय, क्या भाई, कहा जाता है कि ये दोनों साथ ही गए थे इसको दमन करने के लिए जिलवाड़ा नामक स्थान पर, ये साथ ही थे, और यहाँ पर चारों ओर से किसने इनको घेर लिया जाता है, घेर लेने के पश्चात इनके ऊपर भयंकर आक्रमण करते हैं, और ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा समझदार, समझदार क्या, 30 साल का था लगभग, और इस समय कुंभा वहां से भाग कर आता है, भाग कर आकर अपनी दादी को बताता है कि पिताजी को तो मार दिया, कि वहीं से चपले लेता है हाथ में और भगता है, दौड़ लगाता है, और कहाँ जाकर पहुँचता है ये, तोड़ जाकर पहुँचता है कहाँ पर, किसके पास, हंसाबाई के पास, दादी को कहता है, दादी से जाकर कहता है कि पिताजी को तो मार दिया, किसने मार दिया, कि वो चाचा मेरा ने मार दिया, और कहा जाता है कि हम, मेरे को भी मार देते तो मैं जबरदस्ती छूट के आया हूँ, उनसे जबरदस्ती छूट के आया हूँ, अर्थात वहाँ से पीछा छुड़ा कर भागा हूँ, इस कारण यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, कि चाचा मेरा ने मार दिया, ठीक है भाई, अब चाचा मेरा के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद यहाँ का शासक कौन बनेगा, महाराणा कुंभा शासक बनेगा भाई, कौन बनेगा, नेक्स्ट मेवाड़ का शासक बनेगा कुंभा, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट शासक बनने जा रहा है, कौन बनेगा भाई, कुंभा, क्या, महाराणा कुंभा, किसकी बात कर रहे हैं, एक यशस्वी बहुत बड़ा विद्वान, ठीक है, कला प्रेमी और सभी गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न जिसे कह सकते हैं भाई, सभी क्षेत्रों का ज्ञाता, कौन, महाराणा कुंभा, महाराणा, महाराणा महाराणा कुंभा,
कौन बनता है भाई? महाराणा कुंभा। और ये जो शासन काल माना जाता है इसका 1433 से, कब से? 1433 से 1468 तक। कहाँ तक माना जाता है? 1433 से 1468 तक इसका शासनकाल माना जाता है। किसका भाई? महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा शासक बनता है यहाँ पर, कौन बनता है? महाराणा कुंभा शासक बनता है। कब बन जाता है भाई? 1433 में मोकल की हत्या हो जाती है, चाचा मेरा और एका के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है भाई, अब इसकी हत्या तो कर दी गई, चलिए अब बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके क्या क्या जानकारियां, सबसे पहले इसकी जानकारियां लेते हैं, छोटी मोटी जो भी जानकारी है। इसका जन्म 1403 ईस्वी में। कब हुआ भाई? पिता इसके पिता कौन है भाई? इसके पिता कौन है? मोकल। कौन है? मोकल। माता, इसकी माता कौन है? सौभाग्य देवी। कौन है? सौभाग्य देवी। कौन है भाई? सौभाग्य देवी। इसका पुत्र कौन? पत्नी। इसकी पत्नी कौन है भाई? वैसे तो खूब पत्नियां हुआ करती थी, इनकी कोई कमी नहीं हो करती थी, लेकिन जो मुख्य मानी जाती है कुंभल देवी। कौन भाई? कुंभल देवी। कुंभल देवी इसकी पत्नी। इसके बाद और बात करें तो इसके पुत्र कौन थे? एक तो रायमल, कौन था? एक तो उदा और दूसरा रायमल। कौन प्यारे दोस्तों? रायमल इसका पुत्र था। और बात करें यहाँ पर पुत्री की, किसकी बात कर रहे हैं? पुत्री की। और इसकी पुत्री कौन थी? रमा। कौन थी भाई? रमा। इसे जावर अभिलेख में क्या कहा गया है? जावर अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? वागीश्वरी। क्या कहा जाता है? वागीश्वरी। क्या कहा जाता है भाई? वागीश्वरी। क्या कहा जाता है? वागीश्वरी कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है भाई? जावर अभिलेख में कहा गया। ठीक है, जावर अभिलेख में वागीश्वरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रमा को। ठीक है, अब बात करें तो ये कला प्रेमी था। क्या? कला प्रेमी था। और सबसे ज्यादा कहा जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ या विद्वान व्यक्ति था भाई, सब सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था। किधर भी देखे, जिधर भी झांके, उधर सब कुछ इसको आता था भाई। इसका संरक्षक किसको बनाया गया? संरक्षक मोकल का संरक्षक कौन बना था? रणमल। उसी रणमल को वापस बुलाया गया, जिसका संरक्षक भी कौन बना? रणमल। कौन बना भाई? रणमल। इसका संरक्षक रणमल राठौड़ को बनाया। किसको बनाया गया? रणमल राठौड़ को इसका संरक्षक बनाया गया। किसको बनाया गया भाई? रणमल राठौड़ को। और बात करें इसका गुरु की, बात करें इसका गुरु कौन था? अतिरंग देव। कौन था? हीरानंद आर्य। ठीक है, हीरानंद आर्य इसका गुरु कौन था? हीरानंद आर्य। कौन था भाई? इसका गुरु हीरानंद आर्य। संगीत गुरु कौन प्यारे दोस्तों? संगीत गुरु कौन था? इसका संगीत गुरु जो था सारंग व्यास। कौन था? सारंग व्यास। कौन था भाई? सारंग व्यास इसके संगीत गुरु थे। और बात करें सहायक संगीत गुरु कौन प्यारे दोस्तों? सहायक संगीत गुरु। और सहायक संगीत गुरु कौन था? काना व्यास। कौन था? काना व्यास। कौन है भाई? काना व्यास इसके सहायक संगीत गुरु थे। और बात करें यहाँ पर, देखिए ये लगभग इसकी जानकारी, ये कला प्रेमी था, ये वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा बजाता था अर्थात ये किस वाद्य यंत्र को बजाता था? वीणा बजाता था। क्या? किसका? कला प्रेमी था, संगीत प्रेमी था, इस कारण ये कहा जाता है कि ये वीणा वादक था। क्या था भाई? वीणा वादक था, वीणा बजाया करता था। कौन बजाता था भाई? महाराणा कुंभा की बात कर रहे हैं। तो ये सारी विशेषताएं इसमें देखने को मिलती है, और सारी विशेषताएं कहा जाता है कि ये तो इसका राशन कार्ड हो जाएगा, पूरा का पूरा राशन कार्ड। किस प्रकार से, क्या क्या चीजें हमने देखी, इसके जन्म, इसका पिता, माता सौभाग्य देवी, पत्नी कुंभल देवी,
पुत्र उदा और रायमल और पुत्री रमा, जो जावर अभिलेख से इसे वागीश्वरी कहा गया। क्या कहा गया? संरक्षक रणमल था। कौन था? रणमल राठौड़ को संरक्षक बनाया गया, जो इसके पिता का मामा था। क्या था भाई? इसके पिता का मामा था, इसको बनाया गया। संगीत गुरु सारंग व्यास, सहायक संगीत गुरु कौन है भाई? इसके कान्हा व्यास को माना जाता है। अब बात करते हैं भाई, ये क्या क्या समस्या थी। सबसे पहले इसके सार, इसके जीवन की जो समस्या देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, वो समस्या क्या थी? यहां पर इसके जीवन की प्रारंभिक समस्या किसकी? राणा कुंभा। किसकी बात कर रहे हैं? राणा कुंभा की। इसके राज्य की प्रारंभिक समस्या क्या? इसके राज्य की प्रारंभिक समस्या, प्रारंभिक समस्या, समस्या कह दे समस्या, या फिर यही समस्या खड़ी होती है। और प्रारंभिक समस्या क्या क्या थी, यहां पर ध्यान दें, ठीक है। प्रारंभिक समस्या थी तीन, जो मुख्य वजह थी इसकी क्या थी भाई? पहली वजह थी क्या? इसके सामने चुनौतियां, या फिर समस्या भी कहते हैं, चुनौतियां भी कह सकते हैं, चुनौतियां, ठीक है, यहां पर चुनौतियां भी लिख सकते हैं। पहले चुनौती क्या सामने आती है इसके, इसके जो चुनौती सामने आती है प्यारे दोस्तों, वो आती है इसके राज्य की तीन प्रकार की प्रारंभिक चुनौतियां जो सामने आती है, वो क्या आती है देखिएगा। पहली चुनौती हम देखें तो क्या सामने आती है, यहां पर जो सामने आती है आपके सामने पहली चुनौती निकल कर आती है, वो क्या चुनौती है प्यारे दोस्तों? यहां पर अब सबसे पहली जो चुनौती मानी जाती है इसकी, वो थी इसके पिता के हत्यारे का बदला लेना। पिता के हत्यारों से बदला लेना, बदला लेना, क्या प्यारे दोस्तों? बदला लेना। नहीं तो ये इसको भी मार सकते हैं भाई, पिता को तो मार ही दिया और इनके ऊपर डर बैठा हुआ था, ये इसके इस खुद को भी न मार दे। तो कहा जाता है कि इसके सामने पहली समस्या यही थी कि इसके पिता के हत्यारों को उससे कैसे निपटा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। और कहा जा रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए। दूसरी जो समस्या थी प्यारे दोस्तों, वो था राठौड़ों का, कहां पर? राठौड़ों का मेवाड़ में हस्तक्षेप, ठीक है, मेवाड़ में हस्तक्षेप, या राठौड़ों का बढ़ता प्रभाव, मेवाड़ में राठौड़ों का बढ़ता प्रभाव, ये प्रभाव कैसे खत्म किया जाए, दूसरी समस्या क्या थी? ये थी। और तीसरी जो समस्या इसके सामने थी, वो थी पड़ोसी राज्य। कौन से प्यारे दोस्तों? पड़ोसी राज्य क्या थे? पड़ोसी राज्य, और पड़ोसी राज्यों में एक तो मालवा, और दूसरे बात करें मालवा और क्या प्यारे दोस्तों? गुजरात। क्या? गुजरात। इनसे कैसे निपटा जाए, ये इसके सामने, इसके साम्राज्य के सामने ये प्रारंभिक समस्या आ जाती है। तीन समस्या इसके जीवन की महत्वपूर्ण समस्या है। कहा जाता है कि इसकी प्रारंभिक जीवन की समस्या ये देखने को मिलती है। अब क्या करें, करना क्या है? अब ये है कंडीशन, ये प्यारे दोस्तों, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले कहा जाता है ये चाचा मेरा का दमन करता है। क्या करता है यह कुंभा? क्या प्यारे दोस्तों? कुंभा रणमल था ही सही, तो रणमल का कुछ तो प्रयोग करें। कुंभा रणमल की सहायता से, कुंभा रणमल की सहायता से चाचा मेरा की हत्या कर देता है, लेकिन महापा पवार व एका भागकर मालवा के
मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी कौन प्यारे दोस्तों, मोहम्मद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। क्या करते हैं ये मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी की शरण में, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट कौन सा था भाई ये, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट की शरण में चले जाते हैं कि शरण में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भैया, इसकी शरण में चले जाते हैं। अर्थात यहाँ पर बात करें, इसकी समस्या का सामना नहीं होता, समाधान नहीं हो पाता। ये कुंभा रणमल की सहायता से इनका अंत तो करते थे, पहली समस्या से निपटना चाहता है ये। पहली, इसके पिता के हत्यारों का बदला लेना, और ये इसकी पिता के हत्यारों का बदला लेने के लिए कुंभा जो है रणमल की सहायता से कहा जाता है इसका अंत कर देता है। किसका, चाचा और मेरा को तो मार देता है, लेकिन यहाँ से महपा पवार और एका भाग कर कहाँ चले जाते हैं भाई, मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भाई, मोहम्मद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। और मोहम्मद खिलजी की शरण में चले जाने के पश्चात क्या ये मांग करता है, ये कहता है किससे, मोहम्मद खिलजी से पत्र लिखकर कहता है, राणा कुंभा कहता है कि आप मेरे को वो जो आए थे मेरे यहाँ से जो आए थे उनको वापस दे दो। क्या वापस दे दो, लेकिन इसने कहा, देखिए इस समय इसके पहले मोहम्मद खिलजी से पहले यहाँ गुजर कहाँ का, मालवा का शासक, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, मालवा की, जो मालवा का शासक था इससे पहले जो मालवा का शासक था वो कौन हुआ करता था भाई, मालवा का शासक इससे पहले किससे, मोहम्मद खिलजी से पहले जो मालवा का शासक था किसका, मालवा, किसका, मालवा। और मालवा का शासक कौन था भाई, इससे पहले जो मालवा का शासक था कहां का, मालवा। और मालवा का जो शासक था पर दोस्तों इससे पहले किससे, होशंगशाह था, कौन था, होशंग शाह, कौन था भाई, होशंग शाह था। मोहम्मद खिलजी से पहले कौन था, होशंग शाह था। होशंग शाह का पुत्र था उमर खान, कौन था ये, मोहम्मद खिलजी कौन था ये, मोहम्मद खिलजी तो इसका होशंग शाह का सेनापति हुआ करता था, कौन हुआ करता था, होशंग शाह का सेनापति हुआ करता था, इसका पुत्र था, इसका पुत्र होशंग शाह का क्या प्यारे दोस्तों, पुत्र, इसका पुत्र था उमर खान। जैसे ही गद्दी पर बैठता है ये गद्दी से उमर खान को हटा देता है। उमर खां को क्या, गद्दी से कौन हटा देता है, कौन हटा देता है भाई, उमर खां को गद्दी से हटा देता है मोहम्मद खिलजी, कौन, मोहम्मद खिलजी इसको गद्दी से हटा देता है। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट इसको गद्दी से हटाता है, और इसको हटाकर खुद क्या बन जाता है, यहाँ से इसको गद्दी से क्या पदच्युत करके ये कहाँ चला जाता है, ये कुंभा की शरण में चला जाता है। कहाँ चला जाता है भाई, कुंभा की शरण में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कुंभा की शरण में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये उमर का कुंभा की शरण में चला जाता है। लेकिन इसने भी इससे मांगा था, तब शरण ली थी इसने, तो कहा जाता है कि इसने देने से मना कर दिया था, किसने, इस उमर खां को देने से मना कर दिया था। इस कारण ये शासक कौन बन जाता है, इसके बाद मालवा का शासक, अब कौन बन जाता है यहाँ पर शासक, मालवा का शासक, इसको हटाकर, किसको, उमर खां को हटाकर शासक बन जाता है कौन, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, कौन बन जाता है भाई, मोहम्मद खिलजी मालवा का शासक बन जाता है। इस तरीके से जब उमर खान ने इसको मांगा था, कहा जाता है कि ये तो उसकी शरण में चला जाता है, वहां पर नौकरी करने लग जाता है। ठीक है, इसने मांगा था तो इसने भी नहीं दी थी, अर्थात तूने मेरे शत्रु को शरण क्यों दी, तो इसने चाचा और मेरा को मांगा, किसने, मेवाड़ के कुंभा ने, किसने, मेवाड़ में कौन था, कुंभा, और कुंभा ने किसको मारा, मांगा था उससे, चाचा और मेरा को, सॉरी चाचा मेरा तो मौत की घाट उतारते थे, महपा पवार और एका को क्या करता है, ये मांग करता है कि भाई इनको मेरे को दे दो, तो कहा जाता है ये मना कर देता है, इनको क्या कर देता है, शरण दे देता है, कौन दे देता है शरण, ये कौन दे देता है, मोहम्मद खिलजी। तो इसी के कारण यहाँ पर इनकी मांगने के कारण अर्थात यहाँ पर एक युद्ध होता है प्यारे दोस्तों, कौन सा युद्ध होता है, और यहाँ पर युद्ध होता है कौन सा, यहाँ पर सारंगपुर का युद्ध, कौन सा, सारंगपुर का युद्ध, कौन सा युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है भाई, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर कहाँ पर पड़ता है भाई, ये एमपी में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है भाई, ये एमपी में पड़ता है, कब होता है ये, 1437 में, कब होता है, 1437 में ये सारंगपुर का युद्ध होता है, कहाँ पर, एमपी में, 1437 में ये युद्ध होता है। ये युद्ध किस किसके बीच होता है, ये एक तरफ तो कुंभा, कौन भाई,
एक तरफ तो कुंभा जो मेवाड़ का शासक है, वर्षेज ये मालवा का शासक कौन है, मोहम्मद खिलजी। कौन? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट किसके बीच होता है, मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच होता है। और इस युद्ध में कौन विजय होता है, इस युद्ध में विजय जो होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर विजय किसकी होती है, कुंभा की विजय होती है। किसकी विजय होती है इसमें, यहाँ पर इसको बहुत बुरी तरह से मारता है और कहा जाता है इसी युद्ध में किसको, एक्का, कौन, एक्का और महापा पवार, किसको, महापा पवार, पवार को क्या करता है, ये मौत के घाट उतार देता है। दोनों को कुंभा मौत के घाट उतार देता है। अपने पिता के हत्यारों का बदला यहां पर पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अपने पिता के हत्यारों का बदला पूरा हो जाता है यहां पर, याद रखिएगा। ठीक है, किस तरीके से, ठीक है, यहां पर इसका बदला पूरा हो जाता है। अब इसमें यहां पर कहा जाता है ये इसकी बड़ी विजय थी, इसकी बड़ी विजय थी। और इसकी बड़ी विजय होने के बाद कहा जाता है कि इस विजय में तो क्या करता है प्यारे दोस्तों, यहां पर कुंभा की ये बड़ी विजय मानी जाती है, कुंभा की बड़ी विजय थी। इस कारण कहा जाता है इस युद्ध में विजय होने के बाद कुंभा, कौन, महाराणा कुंभा, कौन, राणा कुंभा, कुंभा इस विजय के उपलक्ष्य में, या कुंभा सारंगपुर युद्ध में, कुंभा सारंगपुर युद्ध में मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के बीच बीच चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है भाई, इसका निर्माण करवाता है। किसका, विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। ठीक है, किसका निर्माण करवाता है, यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सारंगपुर युद्ध में मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 के बीच महाराणा कुंभा के द्वारा कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। किसका निर्माण करवाया जाता है भाई, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। नेट चल रहा है, नेट चल करो, एक मिनट हो जाएगा, चल करो जल्दी करो चलो। चलिए भाई देखते हैं। देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है कौन, कहां पर, विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ का कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, कर देना, कर देना। सर्च क्यों नहीं हो रहा,
अब वो अब आ जाएगा विजय स्तंभ का, विजय स्तंभ या एक फोटो ले ले अच्छा सा ये सेव कर दे इसमें नहीं वो हाँ लिखना है वो ये ले ले खड़ी वाली ले ले वो पास वाला नहीं नहीं जी एक दो डाल ले जल्दी से डाल टाइम डाल ले इसको डाल वो आ गया ना हो गया डाउनलोड अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है उसको और एक खड़ा वाला चलो ठीक है कोई बात नहीं ये सही नहीं आ रहा हाँ सही आ रहा है ठीक है ले लो उस पर लगा भी दे साथ ही दोनों को पूरा ना डाउनलोड का आइए जैसे वापस वहीं पर आना है ना तो इससे ब्रेक स्टेज से आया ठीक है ये तो आ जाएंगे इनको इस पे डाल दे और तेल तो कहाँ गई वो फाइल सेव भी नहीं हो रही तो नई फाइल है तो ये नहीं है नई चालू की थी ना नई चालू की है हाँ ये 2 घंटे में तो ये अपलोड होती है सारे वो नई फाइल थी आज की चलो उसको वो ने दो अपलोड हो रहा है लोडिंग तो की रहेगा हम वो तो अपलोड हो की रहेगा हम उसको बंद नहीं कर सकते इतनी दूर आखिर वो आदत में पड़ रहा है ना ज़्यादा ही टाइम ले रहा है हो गया वो यस करनी थी यार वो उसने
त्रापेश थोड़ी पेज थोड़े होंगे, 5-7 पेज होंगे या 4-5 पेज होंगे। सेव हुई नहीं वो शायद, तुमने यस नहीं किया उसको, एग्जिट किया था तो यस। कर ले जो भी, अरे बोले ना हाँ वही तो ये सुबह वो, हाँ सुबह वाले नो कर दे इसको तो, इसका फिर भी नहीं आई डाउनलोड, ये आएगी ना, तीनों को लगा दे एक एक करके, रहने दे इसको, छोड़ दे कर लूँगा मैं बढ़ा तो, नेक्स्ट पेज पे उसको लगा दे। ठीक है ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये विजय स्तंभ अर्थात सारंगपुर युद्ध में विजय के बाद किसका निर्माण करवाया था, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया भाई, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा। अब देखिए प्यारे साथियों, ये जो विजय स्तंभ देख पा रहे हैं आप, ये जो विजय स्तंभ है, ये आपका विजय स्तंभ किस तरीके से दिखता है, ये सारा का सारा विजय स्तंभ। एक और फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये जो विजय स्तंभ है ये कहाँ पर बना हुआ है भाई, ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, ये जो बना हुआ है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण करवाया, इसके निर्माण की बात करें, निर्माण करवाया कुंभा ने। किसने करवाया, कुंभा ने। कब से कब तक करवाया, 1440 से 1448 के बीच करवाया। कब करवाया भाई, 1440 से 1448 के बीच। इसके वास्तुकार की बात करें, किसकी बात करें, वास्तुकार, इसके वास्तुकार, इसके वास्तुकार कौन है प्यारे दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है, ठीक है, क्या है ये विजय स्तंभ, क्या है ये, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये विजय स्तंभ है, क्या है भाई, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, ठीक है। ये क्या है आपका विजय स्तंभ, कहाँ पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसका वास्तुकार जेता, कौन भाई, जेता, कौन, इसके वास्तुकार जो देखने को मिलते हैं हमें, जेता, कौन, मुख्य जो वास्तुकार माना जाता है वो जेता था। कौन था, वास्तुकार, वास्तुकार कौन था भाई, जेता, कौन, जेता, और जेता के सहयोगी थे या इसके पुत्र थे, एक तो नापा, पोमा, पोमा और पुंजा, नापा, जेता, पोमा, पुंजा, पुंजा, ये इसके सहयोगी थे, ये वास्तुकार थे भाई। इसकी जो हाइट की बात करें, किसकी बात करें भाई, इसकी ऊंचाई की बात करें, किसकी, इस विजय स्तंभ की ऊंचाई की बात करें, इसकी सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, क्या प्यारे दोस्तों, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई नीचे से कितनी है, 30 फीट, कितनी है भाई, 30 फीट है। नीचे से चौड़ाई कितनी है इसकी, 30 फीट है। ये कितने मंजिला है, सबसे बात बड़ी बात है, 9 मंजिला है, कितना, 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला है, कितना मंजिला है ये, 9 मंजिला है। देखिए चलो नेक्स्ट स्लाइड से लेते हैं, ये देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो इसकी, किसकी, विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ में ये देखिए, ये पहली मंजिल, 1, 2, 3, 4, चलो ये कलर सो नहीं हो रहा भाई, थोड़ा सा और
कलर चेंज करते हैं ना, यहाँ पर ही पिंक कलर ले लेते हैं, ये दिख जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये पहली मंजिल, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल, पांच मंजिल, छह मंजिल, सात मंजिल, आठ मंजिल और नौवीं मंजिल। ये कितने मंजिला इमारत है भाई, ये पूरा जो देख रहे हैं आप नौ मंजिला इमारत है, देख रहे हैं कलर, नौ मंजिला इमारत है। कितना मंजिला इमारत है भाई, नौ मंजिला इमारत है। इसी की बात करें तो यहां पर नौ मंजिला इमारत होने के साथ साथ मेरे साथियों यहां और क्या क्या जानकारी मिलती है हमें देखिएगा। यहां से हमें जानकारी मिलती है पहली इमारत पर, कहां पर, पहली मंजिल पर विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। क्या लगी हुई है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है पहली मंजिल पर। क्या लगी हुई है, विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है, कौन से की, भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। उसके बाद तीसरी मंजिल पर, किस पर, तीसरी मंजिल पर, यानी कि कौन सी मंजिल पर भाई, तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर क्या, यहां पर अरबी भाषा में, किसमें, यहां पर नौ बार, कितनी बार प्यारे दोस्तों, नौ बार, नौ बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, नौ बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, शब्द लिखा है, ठीक है प्यारे दोस्तों, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है भाई, अरबी भाषा में नौ बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, कौन सी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर। यहां पर बात करें इसकी पांचवी मंजिल पर, किस पर, पांचवी मंजिल पर, पांचवी मंजिल पर इसके वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं, वास्तुकारों के नाम, वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं, वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं। इसकी आठवीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है, आठवीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है, आठवीं मंजिल पर, आठवीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा नहीं है, ठीक है, आठवीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है। वैसे सारी मंजिलों पर इस पर क्या है, प्रतिमा ही प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन आठवीं मंजिल पर इस पर कोई प्रतिमा नहीं है प्यारे दोस्तों। और बात करें यहां पर किसकी, यहां पर नवी मंजिल की बात करें, किसकी बात करें भाई, नवी मंजिल की, किसकी, नवी मंजिल की बात करें, इस नवी मंजिल पर, इस नवी मंजिल पर क्या लिखी है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, क्या लिखी है, कीर्ति स्तंभ, स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, किसे, क्या लिखी गई है, प्रशस्ति, प्रशस्ति लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, लिखी है, क्या लिखी हुई है भाई, इसको लिखने वाला कौन था, इसको लिखने वाला कौन था भाई, इसको लेखक, इसका लेखक कौन था, इसका जो लेखक है प्यारे दोस्तों वो कौन था, इसका लेखक, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक, इसका लेखक जो था प्यारे दोस्तों वो था अत्रि कवि, कौन था, अत्रि कवि, कौन था, अत्रि कवि, या इसी के बाद बात करें इसी को कहते थे अभिकवि, क्या कहते थे, अभिकवि, और ये पूरी किसके द्वारा, और इसके पुत्र, इसका पुत्र था एक महेश, कौन, इसका पुत्र महेश, किसके द्वारा लिखी गई ये, अत्रि कवि या अभिकवि, और इसका पुत्र कौन था भाई, महेश के द्वारा ये लिखी गई थी, कौन लिखी गई थी भाई, ये प्रशस्ति लिखी गई थी जो नौवीं मंजिल पर है, किस पर प्यारे दोस्तों, विजय स्तंभ की बात करें, इस तरीके का जो विजय स्तंभ है ये कहां पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहां पर बना हुआ है भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है, कहां बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है, कौन सा विजय, ये विजय स्तंभ। क्या क्या जानकारियां मिलती है, ये सारी जानकारियां हमें विजय स्तंभ के बारे में मिलती है। और क्या देखें, और हम जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं प्यारे दोस्तों वो देखिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा और समझते हुए एक एक चीज आपके काम की हो जाएगी, ठीक है। अब क्या क्या जानकारियां मिलती है और देखिए, यहां से हमें ये जो है इसकी आकृति की बात करें, क्या, इसकी आकृति की बात करें, विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, विजय स्तंभ, क्या है भाई, विजय स्तंभ, क्या है ये, विजय स्तंभ, कहाँ है ये, ठीक है, कहाँ है ये, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहाँ पर है, चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, कहाँ पर है, चित्तौड़ दुर्ग में, ठीक है। इसकी आकृति की बात करें, किसकी बात करें, आकृति की बात करें, इसकी आकृति है वो डमरू के समान है, किसके समान है, डमरू के समान, डमरू के समान, किसके समान है, डमरू के समान इसकी आकृति है। ये नौ मंजिला है, कितने मंजिला है, नौ मंजिला इमारत है, क्या है भाई, नौ मंजिला इमारत है, ये नौ मंजिल, नौ मंजिल
नौ मंजिल नव निधियों की प्रतीक मानी जाती है। नौ निधियों के किसके, नौ निधियों के प्रतीक माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है, नौ निधियों के प्रतीक मानी जाती है। और बात करें प्यारे दोस्तों, इसमें जो वास्तुकार की हमने बात करी ली, इसमें जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा विजय के उपलक्ष में करवाया गया था। और देखिएगा और क्या जानकारी मिलती है यहाँ से, और जानकारी ये मिलती है जो ये विजय स्तंभ है प्यारे दोस्तों, इसका पुनर्निर्माण, क्या इसका पुनर्निर्माण, इसका पुनर्निर्माण की बात करें, इसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया, स्वरूप सिंह ने करवाया, किसने करवाया भाई, स्वरूप सिंह ने। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई की बात करें अर्थात यहाँ से ले, अर्थात नीचे से लेकर इसकी ऊपर तक जो ऊंचाई है, यहाँ तक की ऊंचाई जो देखने को मिलती है वो कितनी है, 120 से 122 फीट। कितनी है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई की बात करें प्यारे दोस्तों, इसकी ऊंचाई क्या, इसकी ऊंचाई बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें 120 से 122 फीट है। कितनी है, 120 से 122 फीट है। कितनी है भाई, 120 से 122 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है ऊपर से नीचे तक। इसकी पहले कहा जाता है कि इसकी पहले प्रारंभिक ऊंचाई 120 फीट मानी जाती है, लेकिन बिजली गिर जाने के कारण इसकी ऊपर की जो मंजिल है वो ध्वस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद स्वरूप सिंह ने इसके ऊपर की नौवीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, और पुनर्निर्माण करवाने के कारण इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 122 फीट हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई प्यारे दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो 122 फीट हो जाती है। कितनी हो जाती है, 122 फीट हो जाती है। और बात करें ये जो माना जाता है क्या, विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ है प्यारे दोस्तों। और इस विजय स्तंभ की बात करें तो ये विजय स्तंभ किसका प्रतीक चिन्ह, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस, राजस्थान, राजस्थान पुलिस, क्या राजस्थान पुलिस, राजस्थान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, किसका, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। और बात करें, और बात करें अभिनव, कौन प्यारे दोस्तों, अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था, ये वीर सावरकर के द्वारा चलाई गई संस्था थी। इन तीनों का ये क्या माना जाता है भाई, प्रतीक चिन्ह माना जाता है, क्या माना जाता है, प्रतीक चिन्ह माना जाता है, क्या माना जाता है भाई, इन तीनों संस्थाओं का ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है। कौन, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ ये सारी चीजों का अर्थात इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। कौन भाई, विजय स्तंभ। अब बात करें, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, और देखें तो विजय स्तंभ के बारे में ये वास्तुकार, ये सारी जानकारियां हमने यहाँ भी प्राप्त की थी। और देखिए इसके बारे में और जानकारियां लें तो देखिएगा प्यारे साथियों क्या क्या जानकारियां और ले सकते हैं हम। इसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया, क्या बताया, कर्नल टोड ने इसे क्या बताया भाई, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। किसकी बात कर रहे हैं हम, कर्नल टोड की, किसकी बात कर रहे हैं हम, कर्नल टोड की, चलिएगा किसकी बात कर लें, कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने इसे दिल्ली की, दिल्ली की कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया, क्या बताया इसे, श्रेष्ठ बताया, ठीक है, किसको बताया भाई, विजय स्तंभ को। और बात करें, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने, किसने, फर्ग्यूसन ने, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे रोम, कहाँ का, रोम के टार्जन, कौन सा, टार्जन टावर, रोम के टार्जन टावर से भी श्रेष्ठ बताया, से श्रेष्ठ बताया, ठीक है,
किसके समान बताया इसको? रोम के टार्जन टावर के समान बताया, टावर के समान बताया। किसने बताया? इतिहासकार फर्ग्यूसन ने। ठीक है, रोम के टार्जन टावर के समान किसने बताया भाई? रोम के टार्जन टावर के समान बताया इतिहासकार फर्ग्यूसन ने। याद रखना प्यारे दोस्तों, और क्या जानकारियां मिलती है हमें यहां से? और जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें, चलिएगा, ये राजस्थान की, ये राजस्थान की प्रथम इमारत है, इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, कितने का किया गया? भी 1 रुपए का। कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? 1 रुपए का। कितने का जारी किया गया था? यहां पर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 1 रुपए का। ठीक है, 1 रुपए का। कितने का किया गया था भाई डाक टिकट? 1 रुपए का, है ना, 1 रुपए का, 1 रुपए का। ठीक है, कितने का जारी किया गया था? इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था 1 रुपए का। और देखिएगा, और बात करें विजय स्तंभ की, किसकी बात करें भाई? विजय स्तंभ की, विजय स्तंभ की बात करें। कॉपी नहीं होता क्या रे? कॉपी हो जाता है क्या? चलो छोड़ो, दूसरे पेज पे जाने के लिए, चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या करना है? तो यहां पर क्या करना है? कहां गया रे यार? चलिए देखिए प्यारे साथियों, यहां पर ये विजय स्तंभ देख रहे हैं, ये विजय स्तंभ। और क्या क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में? इसके बारे में जो जानकारियां मिलती है देखिएगा, किसके बारे में? विजय स्तंभ के बारे में। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है? विजय स्तंभ है। क्या है भाई विजय स्तंभ? क्या है ये? क्या है ये आपका? विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ। कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब बात करें तो इसकी जो जानकारी मिलती है, इसके उपनामों की बात करें। क्या? इसके उपनामों की बात करें। किसकी बात करें भाई? उपनामों की बात करने जा रहे हैं। उपनाम कौन कौन से भाई? इसके उपनाम, इसके जो उपनाम हैं देखते हैं। इसके उपनाम, उपनाम किस किस नामों से जाना जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विष्णु ध्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें, पहला इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है, दूसरी बात करें इसे क्या कहा जाता है? इसे विक्ट्री टावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्ट्री टावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्ट्री टावर कहा जाता है। तीसरी बात करें, इसे क्या कहा जाता है? इसे गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। चौथी बात करें, ये नौ निधियों का प्रतीक माना जाता है। क्या? नौ निधियों का। किसका? नौ निधियों का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? नौ निधियों का। पांचवी बात करें तो और क्या कहते हैं इसे? इसे भारतीय चित्रकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय चित्रकला किसका भाई? भारतीय चित्रकला, चित्रकला का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का विश्वकोश कहा जाता है। और क्या बात करें प्यारे दोस्तों, इसे मूर्तिकला का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्या कहा जाता है भाई? मूर्तिकला का, इसे मूर्तिकला का अजायब घर कहा जाता है। मूर्तिकला का अजायब घर कहा जाता है। इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं
का अजायब घर भी कहा जाता है, अजायब घर भी कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? विजय स्तंभ को कहा जाता है। ये सारे नाम इसी के हैं। किसके नाम है भी? इसे विक्ट्री टावर कहा जाता है, विष्णु ध्वज कहा जाता है, गरुड़ स्तंभ कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? नौ निधियों का प्रतीक कहा जाता है। इसे भारतीय चित्रकला का विश्वकोश कहा जाता है, मूर्तिकला का अजायब घर कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, और कहा जाता है इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये विष्णु को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है ये भगवान? ये किसको? भगवान विष्णु किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। समर्पित है किसको? समर्पित है भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है भैया? भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। क्या प्यारे दोस्तों? विजय स्तंभ। किसकी बात कर रहे हैं हम? विजय स्तंभ की बात करें। ठीक है, ये भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। तो ये सारी जानकारियां किसके बारे में प्राप्त की आपने? विजय स्तंभ के बारे में जानकारियां प्राप्त की भाई। अर्थात तो इसे क्या क्या कहा जाता है, सारी जानकारियां हमने देखी प्यारे दोस्तों। और सारंगपुर युद्ध में विजय के बाद किसने, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी प्यारे दोस्तों। क्या क्या देखा यहाँ पर, देखिएगा विजय स्तंभ के बारे में क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त की हमने, ये देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि ये नौ मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है? विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अत्रि कवि या अभिकवि या उसके बेटे महेश के द्वारा क्या लिखी गई थी? बप्पा रावल से लेकर कहाँ से क्या लिखी गई थी? बप्पा रावल से लेकर कहाँ तक? कुंभा तक। बप्पा रावल से लेकर कहाँ से तक? ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, बप्पा रावल से कुंभा तक का इतिहास है इसमें। क्या है? इतिहास है। कहाँ का? मेवाड़ का इतिहास है। ठीक है, बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ का इतिहास है। किसमें? कीर्ति स्तंभ है ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के कुंभा तक का इतिहास का है। ठीक है, मेवाड़ का। ये सारी चीज़ें देख ली आपने, और क्या क्या देखा भाई? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान हो जानी चाहिए, और ध्यान हो जाने के साथ साथ आपको जानकारी भी प्राप्त हो जानी चाहिए। इस प्रकार का दिखता है भाई, ये कहाँ का विजय स्तंभ है? चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का विजय स्तंभ है भाई? ये चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है। कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट उमंग और जुनून के साथ, नए जुनून के साथ, जोश और जुनून के साथ कुंभा के बारे में नेक्स्ट और क्लास पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, नमस्कार।